स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट्स की ज्वाइनिंग लिस्ट जारी हो रही है, एक और डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग लिस्ट जारी हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आदेश जारी हुआ है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, जहाँ पर 38 कैंडिडेट्स के आवेदन जो है पत्रों के शैक्षणिक और अभिलेखों का सत्यापन संबंधी अग्रतित जो आवश्यक कार्रवाई है एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने हेतु अध्ययन आखिरी परिषद को अवगत कराए जाने के निर्देश हुए हैं। आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र शैक्षणिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु आप देख सकते हैं जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं उसके उस कमेटी के, उसके अलावा मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा नामित अधिकारी सदस्य होंगे, उसके अलावा अपर सांख्यिकी अधिकारी भूले जो है पिथौरागढ़ होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभिलेख सत्यापन है वो आप देख सकते हैं 5 सितंबर और 6 सितंबर दो दिन है, तथा जितने भी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो 5 से लेकर 6 सितंबर के, यानी कि जो पिथौरागढ़ के जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो आप देख सकते हैं 10 बजे भूलेख अधिष्ठान जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। आप देख सकते हैं रीना जोशी जिलाधिकारी पिथौरागढ़। तो आप देख सकते हैं लगातार तमाम चीज़ें हो रही हैं पिथौरागढ़ हरिद्वार, उसके बाद लगातार डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ये जो है ज्वाइनिंग की लिस्ट निकल रही है। या तो किसी कैंडिडेट ने कमेंट करके हमसे पूछा था कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है लेखपाल के, हमने कहा था सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लीजिए सारे डिटेल, आगे लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।